हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। तो आज है ट्यूसडे, ट्यूसडे है और अभी शाम का टाइम है, शाम के 4 बजने वाले हैं। और अभी दिन में जो भी होता है ना काम सारा वो करके और क्लीनिंग क्लूनिंग सारा कुछ, वैसे तो हम शाम की चाय भी पी चुके हैं, मैं शाम की चाय पी के आई हूँ और मेरे घर में अभी भी है गेस्ट। तो हमारे पिछले कल चतुर्वार्षिक श्राद्ध था और अभी हमारे घर में गेस्ट हैं, मेरी ननदें हैं, बुआ है, दादी हैं। दादी से मतलब मेरी जो मेरी दादी सास थे ना उनकी बहन है। तो बस अभी वो नीचे हैं, उनको मैं चाय दे के आई थी और अभी मैं आई हूँ थोड़ा सा ब्लॉग शूट करने के लिए। मुझे थोड़ा सा काम था तो मैंने सोचा कि चलो शूट करके आपको दिखाती हूँ। अभी आई हूँ ऊपर नए वाले घर में और यहाँ पे सारा का सारा जो कमरा है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो रात को क्या है ना कि गेस्ट थे आए हुए और उनको यहाँ पे हमने बिस्तर लगाए थे। तो सुबह घर में इतना ज़्यादा क्लीनिंग था, काम था करने को, बर्तन वगैरह इतने खाली करने को थे कि मैं ऊपर आ ही नहीं सकी। अभी लगा है मुझे यहाँ आने का टाइम, तो मैंने सोचा कि चलिए आपको भी ये दिखाती हूँ। और बस अभी शाम से ही मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। एंड जो कोई भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए। अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए वीडियो को और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं और क्या आपको कमी लगती है मेरे व्लॉग में, वो भी बताइए। और क्या चीज़ है जिसमें मुझे सुधार करना चाहिए, तो उससे फिर पता चलता है ना कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं। और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए बैक कैमरा से आपको दिखाती हूँ मैं यहाँ पे जो ये सारे के सारे बिस्तरे पड़े हुए हैं इनको अरेंज कर लेती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ आपको बैक कैमरा से। तो देखिए गाइस, अभी लग गई हूँ मैं यहाँ पे क्लीनिंग करने स्टार्ट। और जो भी सारे ये देखिए ब्लैंकेट है और क्विट है, इनको सबको ना मैं अरेंज करके अच्छे से रख लूँगी। तो ये जो है ना हमारी एक क्विट है, ये इसमें कवर नहीं खरीद पाई हूँ मैं अभी तक इसके लिए। और ऐसे तो वैसे तो 5-6 7 हैं हमारे पास जो डबल बेड वाली हैं, तो ये हमने ऐसे लिए हुए ना कि कई फैमिली वाले आ जाते हैं ना, जैसे तो बच्चे के साथ सोना होता है किसी ने, तो फिर सिंगल बेड की होती है जो उसमें ठंड लगती है, तो डबल बेड की होती है तो उससे ठीक रहता है फिर, मतलब ठंड नहीं लगती ज़्यादा। और अभी देखिए इसको मैंने कर लिया है, अच्छे से फोल्ड कर लिया है। और अभी जो ये बेड बॉक्स होते हैं ना बॉक्सेस, इसमें मैं इनको डाल दूँगी। तो ये ना इतने ज़्यादा गंदे नहीं हुए हैं कोई, और क्योंकि अभी इसको एक दो बार ही लिया है तो अभी इतने ज़्यादा धोने की ज़रूरत नहीं है। तो बस थोड़ा सा धूप लगा के इसको, और इसको हम अंदर रख सकते हैं। और जब तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं ना तब तो धोने पड़ते हैं, लेकिन अभी ये सिर्फ एक दिन के लिए ही यूज़ किए थे। तो अभी दूसरे वाली भी ले आई हूँ मैं, ये भी डबल बेड की ही है जो क्विट है। तो इसमें को देखिए कवर लिया था अभी हमने, तो गाँव में आ जाते हैं ना कई बार देने वाले, वो फेरी वाले आते हैं तो उनसे ले लिया था ये, और अच्छे में पड़ गया था ये हमें। और बस अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बेड को झाड़ लिया और बेड को थोड़ा सा सेट कर लूँगी मैं, और अभी बाकी का काम करूँगी। तो पता क्या होता है, कोई भी फंक्शन होता है ना उसका काम जो होता है ना वो 15 दिन पहले शुरू हो जाता है, और जब वो फंक्शन हो जाता है तो उसके 5-6 दिन बाद तक भी चला रहता है। रजाइयाँ मैंने रख ली है और अभी ना नीचे वाले कमरे में जहाँ हमने पंडित जी को बिठाया था वहाँ पे रजाइयाँ रहती है 2, वो भी लानी है अभी मुझे ऊपर। और साथ में यहाँ पे ये देखिए ये ब्लैंकेट, इसको भी रखना है मुझे, तो इसको मैं रख देती हूँ इधर दूसरे वाले कमरे में। और यहाँ तो आपको बिल्कुल अंधेरा दिखने वाला है क्योंकि ये है मेरे वाला कमरा। तो अभी देखिए आप, तो देखिए गाइज अभी आ चुकी हूँ मैं दूसरे कमरे में और यहाँ पे मुझे ये ब्लैंकेट डालना है। तो कुछ यहाँ पे बिस्तरे देखिए ये रखे हुए थे, कुछ यहाँ पे क्विल्ट है और ब्लैंकेट है, तो ये डेली यूज़ वाले जो हम खुद घर में लेते हैं वो थे यहाँ पे। और यहाँ पे मैं रख दूँगी इसमें बेड बॉक्स में, क्या होता है ना कि अच्छे से रख भी देते हैं बिस्तरों को और धूल मिट्टी भी नहीं लगती इस तरह से इसमें। तो यहाँ पे देखिए इनको रख लूँगी मैं ब्लैंकेट को, और इतना सारा
काम होता है करना करने को, मतलब इकट्ठा करने को बहुत सारा होता है। जिस दिन तो फंक्शन होता है ना, उस दिन तो हम बहुत सारी चीज़ें निकाल लेते हैं, बाद में जब उनको रखना पड़ता है ना, पूरा एक दो तीन दिन तो उसी में निकल जाते हैं साफ़ सफाई करते हुए। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे बेड को भी सेट कर लेती हूँ मैं, और बस प्लीज़ वीडियो को ना फुल वॉच कीजिएगा गाइज, और बीच में स्किप मत कीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने ये कर दिया था सेट इसको, और आगे की क्लीनिंग और दिखाऊंगी आपको। बेड मैंने देखिए सेट कर लिया है, और जो कंबल थे ना वो मैंने उसमें डाल दिए हैं बेड बॉक्स में, और जो डेली लेने वाले होते हैं ना हमारे कंबल और रजाई, वो यहीं पे ही है, तो बाकी इसमें डाल दिए। और अभी जो यहाँ पे ऊपर थे हमने निकाले हुए ना बिस्तर होते हैं कंबल और रजाइयाँ, वो मैंने रख दिए हैं बेड बॉक्स में, और अभी नीचे वाले कमरे में भी है। तो वैसे तो अभी 4-5 गेस्ट तो अभी भी हैं, बस मैं सिर्फ उतने ही रखूँगी बाहर जो बिस्तरे हैं, और बाकी दो रजाइयाँ हैं वो मैं ऊपर ले आऊँगी अभी, तो उसको रख देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि फिर पता क्या होता है बाहर रह के ना बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है फिर। अभी क्योंकि धोई भी थी, उसके कवर वगैरह भी धुले हुए थे, तो अभी इतने ज़्यादा गंदे नहीं हुए हैं, तो वैसे भी एक बात तो ही लिए इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते, तो अभी उसको भी मैं ऊपर ले आती हूँ, और अभी आ गई हूँ मैं नीचे। तो चलिए आपको भी दिखाऊंगी, और इस कमरे में तो मैं आपको बहुत ज़्यादा लेके आई हूँ, बहुत बार लेके आई हूँ इस कमरे में, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा काम है इस कमरे में। और ये देखिए इस कमरे की कंडीशन कितना ज़्यादा कबाड़ है, कबाड़ नहीं है, मतलब बिस्तरे अभी वैसे ही पड़े हुए, मुझे ना टाइम ही नहीं लग रहा था सुबह से लेके, मैं इधर उधर बिजी थी और बहुत ज़्यादा काम था। तो ये जो दो रजाइयाँ हैं ना डबल बेड की, ये मैं यहाँ से उठा दूँगी, क्योंकि पता क्या है हमने डबल बेड वाली रजाइयाँ इसलिए लगाई थी ना, क्योंकि फिर बच्चे भी होते हैं ना जिनके साथ, तो जो मेरी बुआ है ना, मतलब मेरे हस्बैंड की बुआ, उनकी पोतियाँ भी थी साथ में आई हुई, तो तीन थे वो, मतलब एक तो छोटा बच्चा ना, तो उनके लिए फिर हमने डबल बेड का कंबल और डबल बेड की रजाई ही लगाई थी। फिर ऐसा होता है ना कि तीनों एक ही उसमें आ जाते हैं, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा ढोना पड़ता है बिस्तर को, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ढोने पड़ते हैं, तो इस करके हमने यहाँ पे इस तरह से लगाई थी। है बच्चा होता है ना साथ में, तो डबल बेड की रजाई अगर होती है तो ठंड भी नहीं लगती है, और बिस्तर ज़्यादा ढोने से भी बचे जाते हैं। और ये देखिए ये कल के जो पाठ वगैरह हुआ था यहाँ पे, इसमें हवन हुआ हुआ था, और ये सारी कल की ही तैयारी है पुरानी, मतलब 3-4 दिन से यहाँ पे जो चला हुआ था। और ये अभी हमने यहाँ से नहीं उठाया है क्योंकि आज मंगलवार है, मंगलवार को हमारे यहाँ पे ज्ञान करते हैं, नहीं उठाते, कल उठाएंगे इसको। तो बस ये है, और अभी मुझे यहाँ पे गलीचा देखिए कैसे पड़ा हुआ है, और अभी मैं बिस्तर के पहले तय लगा लेती हूँ। तो गाइज़ आपको पता है कि बहुत दिनों से मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रही थी, तो उसका मैंने आपको कल रीज़न बताया कल के व्लॉग में, और बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं हम, तो जो मेरी तरह ही किसी के घर की बहू हैं और उनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो बाकी सारा काम बाद में, और हमारा घर परिवार हमारा सबसे पहला, हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो बाकी जो चैनल है वो तो अपना पैशन है ही, लेकिन जो हमारी घर की जिम्मेवारियाँ हैं उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, और इसलिए मैं काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा मेरे व्लॉग्स जो हैं, उनको बहुत कम देखते हैं आप और चैलेंजिंग वीडियो को ज़्यादा देखते हैं, तो क्योंकि मैं ना देखिए छोटे बच्चे के साथ इतनी सारी चैलेंजिंग वीडियो नहीं बना सकती हूँ, और आप लोग व्लॉग्स भी देखा कीजिए, ज़्यादातर व्लॉग ही मिलेंगे आपको मेरे चैनल्स पे अब, तो प्लीज़ मेरे व्लॉग्स का भी सपोर्ट कीजिए, और एटलीस्ट मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो तो देखें। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ें, इनका मैंने कवर लगा लिया है, दो डबल बेड की रजाई हैं और एक ये कंबल है, इस वाले को मैं यहीं रहने दूंगी क्योंकि अभी बुआ जी यहीं पे हैं, तो ये वाला तो अभी यहीं रहने दूंगी साथ में। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी रजाइयाँ, अरे मैं कब ये करूँ, हेलो इधर आओ, इधर रोशनी में इधर साइड आओ। हेलो गाइज, ये देखिए हमारी अपूर्वा है, ये है हमारी, ये मेरी ननद की बेटी है, भांजी है।
तो अभी इनको क्विल्ट को और ब्लैंकेट को मैं ऊपर ले जाऊंगी, वहीं पे ऊपर जहाँ रखते अभी पहले रखे थे मैंने बिस्तरे। ये देखिए इस तरह से इसको उठा के अभी मुझे ले जाना है ऊपर, इसको मैं ऊपर रख देती हूँ। फिर क्या है ना कि अभी थोड़ा एक ही बारी तो लिए, इतने गंदे नहीं हुए ये, और ऐसे ही पड़े हुए रहेंगे ना अगर इधर उधर तो गंदे हो जाएंगे। अच्छा नीचे जो है ना, नीचे हमारे चूहे बहुत ज़्यादा है इसलिए हम नीचे नहीं रखते इनको, बिस्तरों को ऊपर ही रखते ज़्यादातर। चूहे हैं बहुत ज़्यादा निचली मंजिल में। और हाँ जी आ जाओ। और ये देखिए पहुंच गई मैं इसको लेकर। हो तो फंक्शन एक दिन का होता है ना, लेकिन जो उसकी साफ सफाई होती है वो फंक्शन होने के 10 दिन पहले से शुरू हो जाती है और बाद में भी। और मैं आपको ना मैट जो है उनकी कंडीशन दिखाऊंगी कि मैंने धोई थी ना, सारे के सारे गलीचे भी धोए थे, बट अब उनकी कंडीशन में अगर मैं आपको दिखाऊंगी कि उनकी कैसी है कंडीशन, तो वो भी मुझे धोने पड़ेंगे। आज तो मैंने कुछ भी नहीं धोया हुआ है, अभी तो इतने दिनों की थकान है, कल से करूँगी मैं स्टार्ट धोना थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आज क्या है ना एक तो मौसम ख़राब था और दूसरा ये है कि बारिश जो है ना वो लग गई थी, अभी हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी, तो मैंने सोचा इतनी ठंड में कपड़े धोऊंगी तो साथ तक भी बीमार पड़ सकता है। और आपको पता ही है कि बच्चे के साथ बहुत दिक्कत होती है काम करने के लिए, हमें पहले ये देखना पड़ता है कि मौसम साफ है कि नहीं है, क्योंकि ठंड जो होती है ना वो माँ से भी लगती है बच्चे को। ऐसे तो लगेगी ना अगर वो ठंड में खेलेगा, बट अगर वो ऐसे मैं भी ठंड में ज़्यादा काम करूँगी ना तो फिर बच्चे को ठंड लगती है और बीमार होने के चांसेस होते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे जो ये बेड है इसका मैंने ये खोला हुआ है, अभी जो कपड़ होता है ये खोला हुआ है, और अभी 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 मैं करूँगी इसमें रजाई को शिफ्ट करने वाली हूँ मैं, तो आप देखते रहिए और वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा। और ये है मेरी प्यारी अपूर्वा डांस कर रही है, कैसे करती है, राधा ढूंढ रही राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। बिस्तर जो है वो रख दिए, तो अभी बाकी जो मेहमान बचे हैं उनके तो वैसे ही निकले हुए हैं ना, बट उनको मैं बाद में रखूँगी। और यहाँ पे एक केला खाया है किसी ने, उसका छिलका यहीं पड़ा हुआ था, इसको भी ले चलती हूँ नीचे। और चलिए साथ तक बहुत देर से मैंने, हाँ ले आओ नीचे ले आओ। क्या है इसमें, आपने गुद क्यों खोली, हाँ तो इसको डब्बा बंद करो, डब्बे को बंद कर दो और चलो आप ले चलो नीचे। मम्मी जी चाय में डालने को आएगी काम, हरी इलायची थी ये ना, पंडित जी ने भोग दिया था ना ये, कि ये सब घर वालों को खाना है और हमने नहीं खाया था ना ये। मैंने तो खाया था आपने, हाँ ये तो बहुत अच्छा, मैं तो नहीं खाया था। ठीक है चलो चलो चलते हैं, लेट्स गो। तो अभी जा रहे हैं हम वापस नीचे की ओर, और यहाँ पे एक और आ चुके हैं कोई हमारे साथ, क्योंकि अपना मुंह नहीं दिखाना चाहेंगे, पीठ दिखा देते हैं हम इनकी, वो देखो हाँ। तो अभी चलते हैं वापस नीचे की ओर, शाम के खाने की तैयारी भी करनी है और देखती हूँ क्या बनाऊंगी मैं। बच्चे तो ना ज़्यादा दाल चावल ही पसंद करते हैं हमारे यहाँ पे, दाल चावल बस उनको चाहिए, दाल और चावल। तो अभी देखती हूँ क्या बनाऊंगी,
इधर से अंधेरा आता है, इधर से अच्छी आती है ना। और मैं अभी आपको ना गाइस दिखाती हूँ कि कितने बड़े बड़े, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़े भी नहीं, नॉर्मली जब हमारे कोई प्रोग्राम होता है ना तो उसमें हम वो बड़े बड़े बर्तन यूज़ करते हैं। ये देखिए हमारी अपूर्वा, हेलो अपू। और अभी आपको ना मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ, ये देखिए धो के बर्तनों को यहाँ पे सुखाने के लिए रखा था, लेकिन बारिश आ गई थी और अभी इनको ऊपर नहीं छोड़ा है। देखिए ऐसे होते हैं ये बड़े बड़े बर्तन है ना, जो ये देखिए बड़े बड़े बर्तन हैं और इनमें सब्जी बनती है। और एक और चीज़ दिखाती मैं आपको, नहीं हाँ ये देखिए ये कढ़ाया है नीचे, बहुत बड़ा कढ़ाया है, देखिए काफ़ी बड़ा कढ़ाया है, चरी करते हैं ना चरी, यहाँ से आपको ये छोटा दिख रहा है, बट ये इतना छोटा नहीं है। तो बस आज की व्लॉग में इतना ही गाइज, और व्लॉग बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक और नए व्लॉग के साथ। बाय बाय। यू डूइंग